मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना। मूवी का नाम है देसी लव और इसके जो डायरेक्टर है मिस्टर संतोष सागर जी, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई एम गिविंग यू द बेस्ट विशेस फॉर द सेम थिंग एंड अपेरेंटली आई गॉट अ चांस टू सिंग द टाइटल ट्रैक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर गूफी फॉर द सेम थिंग। गूफी साहब ने मुझे गाना गाने का मौका दे रहे हैं और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मिस्टर कुणाल वर्मा एंड श्रुति प्रकाश। Big congratulations to both of you guys. Thank you. A wonderful career ahead. All best wishes to you, brother. And इस गाने को लिखा है हमारे मंजर बलियाबी साहब ने और इसके जो हमारे क्रिएटिव हेड हैं वो मिस्टर जयप्रकाश त्रिपाठी जी हैं, जो कि हमारे साथ जयशंकर त्रिपाठी जी जो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग। सॉन्ग इज प्रीटी गुड, इट्स एन EDM ट्रैक, इट्स अ फुल पार्टी नंबर। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, एट द सेम टाइम इट्स अ फुल पावर पैक सॉन्ग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉर्ड द सॉन्ग इज वेल। एंड अभी तक जितना भी मैंने गाने को समझा और जितना भी सीखा, इट वॉज वंडरफुल एंड ऑल बेस्ट विशेज टू द टीम ऑफ देसी लव और सागर साहब के प्रोडक्शन हाउस को भी पूरी पूरी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल बेस्ट विशेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी क्या कहेंगे, देसी लव जो टाइटल है क्या गाती है, क्या देसी लव टाइटल के पीछे ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई स्पेशल कोई कहानी या कुछ उस तरह का है। ये एक नॉर्मल जो हमारा कल्चर है, हमारे जो गांव और हमारे शहर का जो एक मिश्रण जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी गांव से लोग शहर जाते हैं और शहर से लोग गांव में आते हैं, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं, तो उसी कल्चर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम एक कॉमेडी जोनर के साथ में लेके आना चाह रहे हैं। फैमिली ड्रामा और एक जिसको आप लोग सोचते हैं कि एक लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की बातें थोड़ी हो, तो वो हमने इस फिल्म में रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक सबको पसंद आया। हमारी टीम अच्छा काम करना चाह रही है और हम बिल्कुल करना चाहेंगे इसको कि आपके सामने अच्छे तरह से बना करके लेके आए। क्या प्लानिंग है, कब शूट करेंगे और बाकी कलाकारों का नाम बताएंगे? काफ़ी अच्छे कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं और एक से एक बढ़कर हैं, कोई नाम के मोहताज नहीं है बिल्कुल कि उनको की पहचान दी जाए। बिकॉज मिस्टर जयशंकर त्रिपाठी जी हमारे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं इस फिल्म में और मिस्टर कुणाल वर्मा हमारे लीड एक्टर हैं एंड मिस श्रुति प्रकाश कई फिल्में कर चुकी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस फिल्म में एज ए लीड एक्ट्रेस में। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बताने की जरूरत है कि किस तरह से ये काम करेंगे, कैसे करेंगे इनसे। सॉरी टू इंटरप्ट सर को, पर मैं श्रुति जी की एक बहुत अच्छी तारीफ बताऊंगा, बहुत अच्छा गाती भी है। तो सर आप बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो मेरे पास तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल डबल बेनिफिट वाली चीज़ है कि अगर मैं एक काम से दो काम करूँ तो मैं चाहूँगा कि फिर ऐसा मौका हमें मिल रहा है तो हम जरूर कोशिश करेंगे इसको हम अपने फिल्म के साथ कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने के लिए जरूर ट्राई करेंगे। और मिस्टर गूफी हमारे साथ बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, हमारे मतलब हमारे साथ सालों से हमारा रिलेशन है और हम चाहते हैं कि हमारी वो टीम के सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अमित मिश्रा जी का तो कोई जवाब नहीं है कि हमने जब गाना सोचा है, जब उन्होंने लिख के हमें दिया था, इन्होंने कंपोजिशन किया, तो मैं कि सर आप सबसे पहले अमित जी से बात कीजिए क्योंकि इन्होंने भी सजेशन किया कि इनके अलावा ये गाना कोई और अच्छा नहीं गा सकते, इनके ऊपर फिट है। तो हमारी कोशिश है कि ये जिस तरह से इन्होंने दिया है कि हम इसको और अच्छी तरह से वीडियो फिल्माएँ, सिनेमा के हिसाब से भी अच्छी तरह से लेके आए वीडियोग्राफी के थ्रू। ये टोटली डांसिंग नंबर है और हमारे कुणाल एंड श्रुति के लिए हम चाह रहे हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करें, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। सारे जॉनर्स में बहुत अच्छे हैं जी, मैंने जो पहली बार इनके लिए गाना गाया था वो रोमांटिक था और इस बार मुझे यू नो एक पॉप आरएनबी मिल रहा है गाने के लिए इनके लिए। तो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर द सेम थिंग। और हम लोग इस पूरे एल्बम को लेकर के मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ सुनने के लिए, इंक्विजिटिव भी हूँ कि जब मैं सुनूंगा तो कितनी मजा आएगी पूरा एल्बम, क्योंकि सारे जॉनर्स में बहुत ही अच्छे हैं गूफी हमेशा। रियली सर बहुत वंडरफुल भाई सर, और इन्होंने उस तरह से हमें दिया भी है म्यूजिक में उस तरह से, आई एम श्योर आपने तभी पैसा लगाया होगा 100% सर। इवन ये पूरी टीम को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है हमारे मिस्टर जयशंकर त्रिपाठी जी का है, इन्होंने हमारी स्टोरी को सुना तो बोला कि सागर इतना बढ़िया स्टोरी है इस पर जल्दी काम करना चाहिए, तो हमने सर आपका साथ मिलेगा तो हम शायद कुछ कर पाएंगे। तो इन्होंने पूरी टीम को अब तक बनाने में हर जगह खड़े होकर काम करके इन्होंने तैयारी की है कि सागर ऐसा करते हैं, एक्टर से लेते हैं, स्टोरी ऐसा करते हैं, सिंगर्स इनके साथ प्लान करते हैं, म्यूजिक ऐसे प्लान करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो इस फिल्म के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, अब आगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इनको हमेशा टीवी और फिल्म में देखते ही होंगे। सबको मल्टी टैलेंटेड लोगों को ले रहे हैं फिल्म में काफ़ी कुछ है क्योंकि लव स्टोरी भी है,
फैमिली ड्रामा भी है और थोड़ा सा वो कॉमेडी भी है, तो चाह रहे हैं कि ये सब आर्टिस्ट भी वैसे ही हो जो हर तरह से मल्टी टैलेंटेड हो। क्या बात है सर, मतलब इट्स द बेस्ट पार्ट इज लाइक यस ऑन दिस सैटरडे। सर जो मुझे स्टोरी बताई गई थी बहुत ही प्यारी स्टोरी है, अपना यूपी बिहार झलकता है उसके अंदर, और मैं भी आपको बता दूं मैं भी यूपी से हूँ हाथरस से, ठीक है, और हमारे अमित भाई भी उधर से ही है लखनऊ से, लखनऊ से, और कहीं ना कहीं हमारे इस टीम के बहुत लोग यूपी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की खुशबू है और हमें पता है कि फिर जो फिल्म है उसका म्यूज़िक हमें कैसे देना है, तो हम आपसे मिट्टी से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो जो सिचुएशन है गाने में, मतलब एक तो बहुत अच्छा इसमें एक आइटम सॉन्ग है बड़ा प्यारा है, वो भी हमने मतलब अपना यूपी और बिहार बेस रखा है उस गाने का, और इसमें एक जो सॉन्ग है बड़ा प्यारा है क्लासिकल थोड़ा सा, उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए शारदा सिन्हा जी के साथ बहुत प्यारा गाना है, उनको लेकर आना चाहते हैं हम लोग, बहुत प्यारा गाना है, और आज हमने ओपनिंग की है सबसे पहले अमित जी के साथ, तो अमित मेरे बहुत मतलब पुराने दोस्तों में से भी है और बहुत ही, और हम लोगों ने पहले भी काम किया है, और बहुत ही क्यूट इंसान है, बहुत नेचर के बहुत प्यारे हैं, और मैं क्या बताऊँ। कुणाल आप क्या कहोगे, किस तरह का किरदार है, क्या नरेशन दिया गया था आपको? वेल जब मैंने मैं ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज अभी क्योंकि क्या होता है ना, आप एक्साइटमेंट में ऐसा होता है कि कभी कभी आप फिल्म पूरी बोल देते हैं और फिर ऑडियंस के पास कुछ बचता ही नहीं है देखने के लिए। बट यस, मैं यही बोलूँगा कि मैंने बहुत काम किया है एज एन एक्टर, और इतने सालों के बाद काम करने के बाद जब कोई ऐसे एक स्टोरी सुनाता है जहाँ पे यू नो आपको भी एक एक, एक कुछ करने का मौका मिलता है एज एन एक्टर, तो मैं उतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, कि स्टोरी बहुत अच्छी है और यू नो हर एक्टर को एक अच्छा वेटेज दिया गया है, और गाना तो मैंने अभी जस्ट सुना है जो वो थरथराने वाला गाना है जो हम अभी अमित भाई गाने वाले हैं, एंड इज आई एम जस्ट मिक्सिंग दिस, बट इज वन ऑफ माई, नॉट वन ऑफ माई, बट येस ही इज, आई थिंक ही इज़ माई फेवरेट सिंगर, और मतलब होता है ना कि जब भी मैं इनको सरस्वती पूजा में जब जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ में, जब ये गुल्लिया गाते हैं तो मतलब मैं सच में रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाता हूँ, जब ये गाता है आदमी तो यू नो वो लव्स नहीं होते हैं। बट यस, कमिंग बैक टू देसी लव, बहुत अच्छी फिल्म है, क्यूट लव स्टोरी है, रोमांस है, और बहुत सारी शरारतें हैं जो आपको आप सबको देखने में अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत शिद्दत से लिखा है, और ये सारी चीज़ें जो एज ए हमारे क्रिएटिव जो सर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो मेहनत करेंगे और उसके बाद में यू नो ऑडियंस होती है जो जनता जनार्दन होती है, वो डिसाइड करेंगे कि यू नो हमने हमने क्या किया है और कितना, मतलब उखाड़ने वाली बात होती है ना, तो वाली चीज़ है। सो यस, लेट्स वेट एंड वॉच, सबने हाँ कर दी है और सबकी हाँ में ही यू नो बस हमको वहाँ तक पहुँचना है और इस फिल्म को कंप्लीट करना है अच्छे से और सारी पॉजिटिविटी के साथ में। तो फिर से मैं बोलूँगा, मैं ज़्यादा स्टोरी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्टोरी को ऐसे ही चुपचाप से शूट करेंगे, फिर उसके बाद में आपके सामने परोसेंगे, तो आप सभी को अच्छा लगे और हम पूरी तरह से अपने दिल से मेहनत करेंगे एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज एन सिंगर, एवरीथिंग। सो सबने 100% देना है, सो देंगे और फिर उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब ये 70 mm पे आएगी, बस वही वही आशा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं इस फिल्म के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी बैक एंड फोर्थ के बाद भी काफ़ी टाइम लगा जो भी इस फिल्म के, इस प्रोजेक्ट के पार्ट होने वाले हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत टाइम लगा है, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने
फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके डायरेक्शन से लेके सारी चीज़ों में बहुत सोच समझ के सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं. एंड एज एन एक्टर मैंने भी काफ़ी काम किया है, ज़्यादा नहीं किया है, काफ़ी किया है पर अच्छा काम किया है. और मैं बस इतना चाहती हूँ कि क्योंकि देखिए ऑडियंस बहुत स्मार्ट है आजकल, कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्टोरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, डायरेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. तो इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं जब हम एक फिल्म बनाते हैं तो, और हर एक फिल्म एक लाइक अभी दिस फिल्म विल बी लाइक अ बेबी है ना, एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट बेबी मेरे लिए तो स्पेशली, इट विल बी माई डेब्यू इन हिंदी. तो मैं बस इतना कहूँगी, जैसे कुणाल ने कहा स्टोरी के बारे में मैं भी कुछ बोलूँगी नहीं बिकॉज फिर बोल दूँगी फिर मुझे डांट पड़ेगा, बट मैं इतना बोलूँगी दैट स्टोरी स्ट्रांग है, कास्टिंग स्ट्रांग है, एंड गाने बहुत अच्छे हैं, एंड अमित मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम बस एयरपोर्ट्स में मिलते हैं बट ही इज़ अ फैबुलस सिंगर और आज टाइटल ट्रैक का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग एंड ही इज़ डूइंग ही विल डू अ फैबुलस जॉब, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो सब लोग अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हैं, सब लोग बहुत शिद्दत बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं. तो एज एन एक्टर आई थिंक दैट इज़ वॉट यू एक्सपेक्ट बाई द एंड ऑफ द डे. तो आप बस सपोर्ट कीजिए, ब्लेस अस एंड दैट्स ऑल. बहुत प्यारा गाना, बहुत अच्छा है. अभी गाना बाकी है, अभी हाँ गाना बाकी है तो अभी उसके मजा आएगा. आई थिंक दो घंटे बाद हम बिल्कुल बिल्कुल बारे में ये चर्चा करेंगे कैसा, बिकॉज आई एम श्योर भाई will take to some other level. Yeah. We're going to see you on the video as well, man. You're going to do the gesture. I'm pretty much sure. Yes. Hamara neta kaisa ho Kunal Verma. Jashan sir, you are creative director, but you are actor behind. Yes. What do you want to say? How is it planning? Yes, planning actually ऐसी हुई कि हम एक साउथ की फिल्म कर रहे थे तो हमारे सागर भाई वहाँ मिल गए और उन्होंने कहा कि भाई जयशंकर जी एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे मन में सूझ रहा है, मैंने कहीं किसी से सुना था ऐसे या कुछ ऐसे चल रहा था इनके उसमें, तो मैंने कहा यार सुनाओ. मैंने सुना और मुझे बहुत पसंद आया. मैंने कहा भाई अब आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ में जितना हो सकता है, हर तरह से मैं एक्टर तो हूँ ही, कोशिश करूँगा जितने मेरे सपोर्ट से मैं मेरी उससे पहचान से जो भी एक्टर आ सकते हैं अच्छे से अच्छे एक्टर में लाने की कोशिश करूँगा और बाकी और जो भी चीज़ें होंगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश किया. अभी तक हमारी रेटिंग वगैरह जो भी है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लखनऊ इस समय शूटिंग से भरा हुआ है, हर तरह से आप देख रहे हैं, मतलब जहाँ भी जाए जिस गांव में जा रहे हैं सर यहाँ ये शूटिंग चल रही है, अभी ये तारीख तक है सर, ये यहाँ ये लोकेशन नहीं मिल रहा, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएँ आई कि मतलब अब जाके फाइनली हम लोग ऐसे उस पर पहुँचे कि अब हम शूटिंग के लिए तैयार हैं और पूरी टीम हमारी तैयार है. गुड बाई और अमित भाई सब सागर जी, श्रुति जी और हमारे ये कुणाल जी सब तैयार हो गए हैं और हम अब तैयारी कर चुके हैं शूटिंग के लिए. देखिए इस फिल्म के शूटिंग का जो हमारी प्लानिंग है हमारी टीम की, आई थिंक सो हम कि मई मंथ पे फ्लोर पे जाना चाहते हैं, तो मई मंथ कभी भी हम जा सकते हैं, बिटवीन आई थिंक सो मिड मे में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और सोच रहे हैं कि बारिश से पहले इसको कंप्लीट कर लें और बारिश फुल मज़े के साथ हम लोग पोस्ट में काम करेंगे. दिवाली ट्राई कर रहे हैं कि ऑडियंस के बीच यानी दर्शकों के बीच हम लेके आएँ और उनको फिर ये इंतज़ार करने का एक मौका जो बोलते हैं ना कि अभी हम बताएं और फिर बाद में उस समय लेके आएँ तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार इंतज़ार किया तो कुछ अच्छी चीज़ें आई हमारे बीच. और हम पूरी टीम को हम एक बार धन्यवाद भी देना चाहेंगे और सबको बताना भी चाहेंगे कि भाई आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग सब मिल करके उतने ही दिल से और इच्छा शक्ति से हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इसके लिए काफ़ी जगह से ऑल ओवर इंडिया से लोग इससे जुड़े हुए हमारे इस प्रोजेक्ट से. दिल्ली से भी हमारे साथ मिस्टर मुकेश शंकर हैं जो को प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं एंड पंजाब से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शर्मा जी हैं एंड यूपी से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, साउथ से हमारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब एवरीवेयर कहीं से भी ऐसा मैंने सोचा नहीं है कि जो नहीं होंगे, सब जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से. तो सबका आशीर्वाद सबका प्यार और सबका सहयोग चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द आपके बीच लेके आएँ और उसी मस्ती उसी धमाल के साथ लेके आएँ जो आप सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए और वो निकलना चाहिए.
अभी थोड़ा सा आपको पता है कि एक्सक्लूसिविटी की बात चलेगी तो अभी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा अमित भाई से कि बुलिया जरूर सुना दे। दो लाइनें सर बुलिया ऐसा देसी लग बात है। नहीं बुलिया का राजन दे यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। क्या बात सर। इसी बात पे मैं एक और बात बोलता हूँ, मैंने एक और भी बहुत पैशन से काम किया और मेरी बहुत ही मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ मैं इस वीडियो में भी था इस गाने के टाइटल ट्रैक के एंड गाने का नाम है दिल बोला, तो गाने को कुछ इस तरीके से गाया गया। रवि बसरू साहब ने बनाया है गाने को। सर से पांव तलक दिल है भोला, सर से पांव तलक दिल है भोला। तो आप लोग इसे सुनने का बहुत बढ़िया ट्रैक।